उज़मिल्लामिन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वेरी वेनरेबल व्यूअर्स वी आर गोइंग टू शेयर इमोशंस मैनेजमेंट इमोशंस आर अनकॉन्शियस एंड बॉडीली सेंसेशंस इन वट एवर वी फील इनर सेल्फ हमारे अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम परसीव करते हैं रिसीव करते हैं और फिर उसके लिए हम रिफ्लेक्ट करते हैं उसका इजहार करते हैं उसका इजहार किस तरह से होता है जैसे पर्सनली वी फील एंड वी रिफ्लेक्ट हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं उससे उसका अंदाज़ा होता है हमारी खुशी का अंदाज़ किस तरह से है हमारी नाराज़गी का अंदाज़ किस तरह से है हमारे गमगीर होने का को जो एहसास है उसका एहसास किन किन अलामात से ज़ाहिर होता है और इसी तरह कुछ फिज़िकल अकाम्पलिशमेंट्स हैं और उसमें आ, हम देख रहे होते हैं कि वट हैज़ हैपन्ड विद ओवर फेस विद ओवर हैंड्स विद ओवर बॉडी जेस्चर्स और उसमें आ, हम अपने जो फेसियल एक्सप्रेशन में आइज़ कॉन्टैक्ट और ब्लंकिंग ऑफ आइज़ इसमें मुख्तलिफ तरह के जो एक्सप्रेस हैं वो शामिल हैं। जो बात इनर एबिलिटीज़ या इनर फीलिंग्स जाहिर नहीं होती इनविजिपल होती हैं। लेकिन कुछ अलामत से उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है जैसे अगर हम इन यानी पिक्चर्स में देखें तो हमें पता चलेगा कि द हैप्पी पर्सन इज़ एक्सटेंडिंग आर्म्स एंड इन्वाइटिंग अदर्स फॉर रिसीविंग फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल फीलिंग्स यानी वेरी प्लेजेंट मोमेंट ऑफ फीलिंग्स द पर्सन इज एक्जिबिटिंग और इससे इजहार का पता चलता है और उसमें बहुत सारे इजहार हैं उसमें बॉडी मूमेंट है उसमें यानी बॉडी थ्रिल है डांस है मूवमेंट इस तरह से एक रिदम के साथ है और उससे कि मूवमेंट का अंदाज़ा हम लगा लेंगे कि ये खुशी की अलात का मसर है और मूवमेंट तो कई तरह की हो सकती है करंट लगने से भी एक मूवमेंट होती है लेकिन उससे हमें पता चल जाएगा कि ये खुशी का इज़हार नहीं है बल्कि ये तकलीफ़ का इज़हार है तो उसके लिए उसके जैसे उस एक्साइटेड मूवमेंट से डिफरेंट होंगे इसी तरह सैडनेस है तो सैडनेस में हमारे जो फेसियल एक्सप्रेशन हैं वो डाउन लगते हैं ना उसमें एक्साइटमेंट होती है ना उसमें कोई उस तरह से यानी अलर्टनेस होती है ना कोई रिफ्लेक्शन नजर आ रही होती है बल्कि यह है कि एनर्जी भी डाउन और यह है कि चाल भी डाउन और फिर यह है कि उसकी जो बॉडी के एक्सप्रेशन हैं वो भी इतने ब्राइट और रिफ्लेक्टिंग नहीं होते बात करते हैं जवाब उस तरह से नहीं मिलता और कोई बात करे तो वो भी उसका लहजा बड़ा धीमा हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि द सैड मोमेंट इज़ गोइंग ऑन और इसी तरह फियर है फियर में वाइडेंड आइज़ या यह है कि बदन सिमटा होता है और बदन में जो यानी एक अजीब सी कैफियत होती है बाज़ात बहुत ज़्यादा अनर्जीज़ रिकनसाइल हो रही होती हैं एंड द चाइल्ड इज़ रनिंग ड्यू टू दैट फियर या फिर यह है कि अनएबल टू मूव एक जगह पर वो दबक गया है और बैठ गया है या उसमें कुछ ऐसी अलामत ज़ाहिर हो रही हैं जिससे मूवमेंट पॉसिबल नहीं है तो हम उसके खौफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी आँखों की मूमेंट से स्टिल ऐसे आइज़ हैं और उसके हाथ एक जगह पर जैसे रुके हुए हैं तो ऐसी कैफियत से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इसी तरह डिसगस्ट अपसेट को इनर अपसेट है बाहर ये है कि कोई इजहार नहीं मिल रहा लेकिन अपसेट है दिलचस्पी की कमी हो जाना इंटरेस्ट की कमी हो जाना चले ये ये काम कर लें नो आनेबल टू डू दिल नहीं कर रहा फिर किसी वक्त टाल मटोल का अंदाज़ और उसके पीछे उसकी वो जो डिस्ट्रेस है जो पर्सनल अपसेट है वो शामिल होती है और उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वाई दिस पर्सन इज़ नॉट शोइंग इंटरेस्ट तो उसके इंटरेस्ट को बूस्ट अप करना वो तो उसकी मैनेजमेंट है लेकिन हम उसके इमोशंस को अगर देखें तो पहले उसको इंटरप्रेट करें तो फिर उसको उसकी डिस्गस्ट को कम किया जा सकता है कौन सी वो वजूहत हैं जो उसके इस बिहेवियर का बायस बने पहले तो उसको रिमूव किया जाए उसके बाद उसको दूसरे फेज में लाया जाए कि उसको रिकनसाइल किया जाए उसको अनर्जाइज किया जाए इसी तरह एंगर ये बड़ा खौफनाक किस्म का इजहार है जिसमें वाइडेंडाइज एंड स्टिफनेस इन द बॉडी और जैसे रोंग खड़े हो जाना और फिर आँखों के अंदर वाइडेंड आइज ओपन माउथ शाउटिंग और बहुत सारी आलाम इसमें ज़ाहिर हो सकती हैं जो ख़तरे का भी बास बन सकती हैं हाथों का चलना भी शामिल है और उसमें पूरी बॉडी का की मूवमेंट जो है ना वो भी उसके दायरा कार के अंदर फिर जो चीज़ आती जाएगी का यह है कि ब्रेकिंग आप आइटम्स और फिर यह है कि नुकसान पहुँचाना और फिर यह है कि फिज़िकली किसी के साथ कोलैप्स करना और फिर चीज़ों को ब्रेकअप करना और फिर यह है कि चीज़ों का नुकसान का अंदाज़ा ना रहना ये सारी चीज़ें शामिल हैं यानी उसके इंटरनल फीलिंग्स आर मच मोर डिसाइडेड और वो रिकनसाइल नहीं रहती और वो कंपोज नहीं रहती और उसमें फिर यह है कि ऐसा डिसीजन जो खौफनाक ख़तरनाक अपने लिए भी हो सकता है और उसी एग्रेशन में बात अगर उसे उसका इजहार ना मिल रहा हो वो अपनी सेल्फ जो एबिलिटीज़ हैं उसको डिस्टार्ट करता है और यह है कि अपने आप को नुकसान पहुँचा सकता है और वर्बल uh, एक्सप्रेशन जो है ना वो बड़ा एब्यूसिव होता है और वाट्स uh, उसको फिर ये है कि इट इज़ मोर बेटर दैट वी टू मैनेज दैट सिचुएशन कि उसको उस सिचुएशन से दूर किया जाए उसको कूल cool डाउन किया जाए और फिर उसको प्लेजेंटनेस की तरफ लाया जाए इसी तरह सरप्राइजिंग मोमेंट uh, है कि कोई नई चीज़ आ गई अनोखी चीज़ आ गई जिसको देखा नहीं जिसकी तो नहीं थी और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ऐसा नहीं हुआ अपने वो मकासद जो हमने सेट किए थे वो उस तरह से एग्जैक्ट हमें हासिल ना हुए तो वी घाट सरप्राइज और उसके एक्सप्रेशंस ये हैं कि वो हमारे यानी इजहार से अंदाज़ा होता है और उसके बाद हम एनर्जाइज़ हो जाते हैं या बाजूक यह है कि वी बिल्कुल ऐसे जैसे बेसद से हो जाते हैं हमारे अंदर वो तो उस तरह से नहीं रहती तो दोनों सूरतें इसमें हो सकती हैं सरप्राइज़ होने से हम सिचुएशन भी बदल सकते हैं हमारे अंदर एनर्जीज भी डबल डबलअप हो सकती हैं कम भी हो सकती हैं ये मुख्तु सूरतें तो सरप्राइज़ होने के उसके इंटरप्रटेशन से हमें अंदाज़ा होगा टू वट अबाउट ऑल दिस थैंक यू वेरी मच फॉर बींग गुड लिसनर विजुअल